हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश में 9वीं और 12वीं कक्षाओं के बाद अब शिक्षा विभाग 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को शुरू करने जा रहा है। 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे, जिसके लिए स्कूलों के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। स्कूलों को कोविड नियमों का खासा ख्याल रखना होगा। कोरोना महामारी के चलते जो हालात बने थे, उसके बाद अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लोगों का जीवन अब सामान्य होने लगा है, लेकिन कोविड नियमों का पालन भी जरूरी है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था भी अब पटरी पर लौटने लगी। 9वीं और 12वीं के बाद अब छोटी क्लासों को भी फिर से खोला जा रहा है। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से पत्र जारी कर 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। भिवानी के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार तंवर ने बताया कि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए पीएचसी और सीएचसी से मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही बच्चों के परिजनों की अनुमति के बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। और स्कूल में जो रीओपनिंग का है, वो 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया जाएगा जो अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि अभी तक 9th से 12th तक के बच्चे स्कूलों में आ रहे थे। इसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी जो है प्रोटोकॉल्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑलरेडी इश्यूड किए गए हैं, उन सभी को लागू किया जाएगा। जैसे कि 72 घंटे से पुराना जो है वो सर्टिफिकेट जो पीएचसी या सीएचसी के जो डॉक्टर्स हैं वो इश्यू करेंगे, तो उससे पुराना नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर ही स्कूल में एंट्री करेंगे। दूसरा जो है पेरेंट्स की परमिशन भी ली जाएगी। पेरेंट्स रोजाना उनका टेम्परेचर नोट किया जाएगा और उसको नोटिस में लाया जाएगा हाईएस्ट अधिकारियों के। प्रिंसिपल शिव कुमार तंवर ने बताया कि स्कूल शुरू तो किए गए हैं, लेकिन कक्षाएं पहले की तरह पूरे दिन के लिए नहीं लगेंगी। अभी जो कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का है। स्कूल रोज तो खोले जाएंगे, लेकिन पढ़ाई सिर्फ 3.5 घंटे ही की जाएगी। अभी तक बच्चों की जो समस्याएं ऑनलाइन क्लास में नहीं सुलझ रही थी, उन्हें अब बच्चे स्कूल में आकर सुलझा सकते हैं। हाँ जी, इनका टाइम जो है वो सुबह 10 बजे से और 1:30 तक, 1:30 बजे तक लगभग 3.5 घंटे का टाइम जो है वो बच्चे स्कूल में रहेंगे, जिसके दौरान वो अपने जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो सभी क्लियर करेंगे और अपनी रेगुलर स्टडीज जो हैं अपने टीचर्स से डायरेक्ट मेथड के जरिए वो एजुकेशन ले सकेंगे। उनकी अब तक जो समस्याएं रही हैं, जो ऑनलाइन टीचिंग के जरिए रही हैं, वो सारी की सारी समस्याओं का हल हमारे टीचर्स जो हैं करेंगे। आदेश आने के बाद स्कूल भी कोविड नियमों के साथ पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है। भिवानी के स्कूल प्रिंसिपल शिव कुमार तंवर ने बताया कि बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर समेत सभी तैयारियां पूरी है। बच्चों को उचित दूरी के साथ क्लास में बैठाया जाएगा। स्कूल प्रबंधन के द्वारा यही तैयारियां की गई हैं कि पूरे स्कूल को, जिसमें 6 से 8 के बच्चे बैठेंगे, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। जो बच्चे मास्क नहीं लेके आएंगे, उनको बच्चों को मास्क भी वितरित किया जाएगा और उनका हैंड सैनिटाइजर का प्रबंध है। जहां पर भी पानी की टंकी है, पीने का पानी है, वहां पर सोप जो है वो रखी जाएंगी, ताकि बच्चे अच्छे से अपने हाथ को साफ कर सकें। बैठने के लिए जो उसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस बना करके रखा जाएगा, ताकि COVID-19 की जो त्रासदी है उसको रोका जा सके, उसके इम्पैक्ट को कम से कम जो है फैलने दिया जाए। हालांकि अगर सावधानियों के बाद भी किसी बच्चे में कोरोना पाया जाता है तो उस पूरी विंग को बंद कर दिया जाएगा जिस विंग में बच्चा क्लास ले रहा है। अगर 10 बच्चों में कोरोना पाया जाता है तो पूरे स्कूल को ही बंद कर दिया जाएगा, स्कूल को सैनिटाइज का। यदि एक बच्चा किसी भी विंग में यदि पॉजिटिव पाया जाता है इस दौरान, तो उस पूरी विंग को बंद किया जाएगा। और लगातार यदि उसी स्कूल में 10 बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं कोरोना के, तो उनको फिर स्कूल को जो है पूरे स्कूल को बंद किया जाएगा। ऐसा गाइडलाइंस में जो है उस लेटर की इश्यू की गई है, उनमें दिया गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 6 to 8 के बच्चे जो है 1 फरवरी से पूरी संख्या में आएंगे। और मेरी सभी पेरेंट्स से भी अपील रहेगी कि सर वो पीएचसी सीएचसी में अपने बच्चों के मेडिकल जो हैं वो करवा करके ही
जो है स्कूलों में भेजें ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी दूसरे बच्चों को या किसी और को ना हो। कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन मिलने के बाद काफी राहत भी है। नौवीं से बारहवीं तक की क्लासों को सही से संभालने के बाद अब स्कूल प्रशासन छोटी क्लासों की जिम्मेदारी के लिए तैयार है। हरियाणा न्यूज के लिए भिवानी से सुमित की रिपोर्ट।